नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी कार्यालय में जश्न, पीएम ने महिलाओं से लिया आशीर्वाद, बोले आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा, विपक्ष पर साधा निशाना, पहले महिला आरक्षण बिल तो आया लेकिन सिर्फ लीपा पोती हुई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर की प्रेस वार्ता, उन्होंने कहा कि बिल में दो कमियां, 10 साल बाद बिल पास हुआ। साथ ही सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा पता नहीं बिल लागू किया जाएगा कि नहीं। राहुल ने कहा कि बिल आज भी लागू किया जा सकता है लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे जयपुर, पीसीसी चीफ डोटासरा ने किया उन्हें रिसीव, खड़गे और राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का फीडबैक। दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की आवाज पर विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ महामंथन, भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ली बैठक। जयपुर को आज फिर मिली बड़ी सौगात, गोविंदपुरा बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का हुआ उद्घाटन, मंत्री हेमाराम चौधरी, शांति धारीवाल समेत दिग्गज रहे शामिल, 100 हेक्टेयर भी किया गया है तैयार। चंद्रयान 3 के फिर जागने की उम्मीद, साउथ पोल पर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी, इसरो आज कम्युनिकेट करने की करेगा कोशिश। में शाही शादी की तैयारियां, राघव परिणीति पहुंचे उदयपुर, देश विदेश से पहुंच रहे मेहमान, दिल्ली और कोलकाता से आए सफेद फूलों से सजेगा होटल। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया, सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम बंगाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता मेडल, कुश्ती में भारत को मिला पहला ओलंपिक कोटा, स्वीडन को जोना मालमेगन पर जीत की दर्ज, हाई स्कोरिंग रहा ब्रिज मेडल का मुकाबला, अंतिम बंगाल ने तकनीकी श्रेष्ठता की जीत हासिल की। भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे, 4 रन पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका, मोहम्मद शर्मा ने मार्श चौका जमाकर आउट किया। राजस्थान को लेकर दिल्ली में अहम बैठक, राजस्थान की बीजेपी सांसदों की हुई बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की आवाज पर बैठक, भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने ली बैठक, राजस्थान चुनाव की रणनीति पर चर्चा। श्रीगंगानगर के राजनगर में औषधि नियंत्रक विभाग टीम की कार्रवाई, 13,000 से ज्यादा नशीली टैबलेट की बरामद, टीम ने कंप्यूटर सेंटर पर मारा छापा, बिना बिल की दवाइयों की कर रहे थे। जयपुर में स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर महापौर सौम्या का मैराथन दौरा, 4 घंटे तक महापौर ने अलग अलग जोन में सफाई व्यवस्था का बिल का जायजा लिया, महापौर सौम्या को कई जोन में सफाई व्यवस्था मिली असंतोषजनक, महापौर सौम्या ने लापरवाही पर लगाई फटकार, सफाई कर्मचारियों को लापरवाही बरतने पर कार्रवाई के आदेश दिए। जोधपुर के AIATF अध्यक्ष MS बिट्टा पहुंचे जोधपुर, अध्यक्ष बिट्टा मीडिया से रूबरू हुए, बिट्टा ने कनाडा को दूसरा पाकिस्तान बताया, G20 के बाद पाकिस्तान, चाइना और कनाडा बौखला गया है उन्होंने कहा। जैसलमेर पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग को कोलकाता से दस्तियाब किया, कोतवाल सत्यप्रकाश विष्णु ने बताया कि नाबालिग ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोलकाता गया था, ऑनलाइन गेम में आईडी वितरित करने के लिए मास्टर आईडी लेनी होती है जिसको खरीदने नाबालिग कोलकाता गया था। प्रतापगढ़ के खेड़ा फला चरपोठिया गांव में बारिश के समय में माही नदी का जल भराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष खेत सिंह बीणा, जिला महामंत्री कुलदीप बीणा सहित ग्रामीणों के नेतृत्व में तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में आबादी को अन्य जगह विस्थापित करने की मांग की। जोधपुर के सुरसागर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के हॉस्टल परिसर की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हो गई, दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ ही संभावना बनी हुई है, इस संबंध में विद्यालय प्रधानाध्यापक और स्टाफ को क्षेत्रवासियों ने कई बार अवगत करवाया, इसके चलते लोगों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा। अजमेर के नसीराबाद में 2.5 वर्ष पुराने मामले में के बिंधारी के साथ मारपीट करने के आरोप में अदालत ने छावनी परिषद के तत्कालीन मुख्य अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार देमा सहित 3 अन्य कर्मचारियों को न्यायालय में तलब करने के आदेश दिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सांधू ने बहस होने के बाद आदेश दिए। नागौर के मेड़ता के ग्राम मोरहरा रोड पर निजी स्कूल की टैक्सी पलटने से 5 बच्चे और चालक घायल हो गए, सभी को मेड़ता राजकीय अस्पताल लाया गया जहां 3 बच्चों को गंभीर अवस्था में अजमेर रेफर किया गया, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर।
मलहोत्रा के समदड़ी पंचायत समिति में सहायक विकास अधिकारी और प्रधान प्रतीक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें प्रधान संतोष जी नगर के पति मुकेश जी नगर पंचायत समिति में अधिकारी और कर्मचारियों पर रौब बनाता है। वहीं बीडीओ की मेल आईडी पर उसने खुद की मेल आईडी लगा दी। इसका पूछने पर मुकेश जी नगर ने सहायक विकास अधिकारी के साथ मारपीट की। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के दोबड़ा गांव में खेत में किसान का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। किसान खेत पर कृषि कार्य के लिए गया था, वहीं 3 घंटे बाद मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव पीड़ितों को सुपुर्द किया, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जयपुर के चौबू में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। थाना मोड़ चौराया, रावल गेट, सुभाष सर्कल, धौला मंडी से निकाला गया फ्लैग मार्च। आरएएफ के जवानों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा अभ्यास किया गया। हनुमानगढ़ में युवक की बेल्ट से पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया। पिटाई करने वालों पर टाउन पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एसपी को ज्ञापन दिया। परिजनों का आरोप है कि 6 सितंबर को मुकेश को बंधक बनाकर कुछ युवकों ने बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। इस संबंध में कुछ युवकों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जारी। उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव 2023 के संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी ऐप और पोर्टल सुविधा सी विजिल केवाईसी सक्षम आदि ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ब्यावर के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने दहेज हत्या के एक मामले में फैसला दिया और आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से भी दंडित किया गया। बिरवाना के मकरारा में मानसिक संतुलन खराब व्यक्ति ने 4 राहगीरों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मकराना थानाधिकारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बारा के अंता दौरे पर आए खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जनभाया ने मिर्जापुर में उप तहसील का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में मंत्री भाया का जोरदार स्वागत हुआ, साथ ही कई कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। बूंदी के तालेड़ा में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर एसडीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतियोगिता में राजस्थान के 50 जिलों के प्रत्येक जिले में छात्र और छात्राओं की अलग अलग टीमें भाग ले रही हैं। उपखंड अधिकारी और शिक्षा विभाग तालेड़ा वॉलीबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के भवन डूंगरपुर पहुंचे। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जोधपुर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई पंचायत समिति की 20 कक्ष में बैठक हुई। सुनवाई में शहर में अतिक्रमण हटाने, जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने सहित विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक प्रकरण दर्ज हुए। वहीं जिला कलेक्टर ने प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जिसमें लाठी में जलदाय और डाक विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। भूमाफियाओं ने पत्थर रोड़े डालकर कांटों की बाड़ और तारबंदी कर लिया। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई। कार्रवाई नहीं होने से लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को इसकी शिकायत भी की। दसमय के मोहनगढ़ में चलती बाइक में पेट्रोल भरने के दौरान बाइक में आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक ने आग नहीं पकड़ी। युवक के साथ बाइक पर बैठे 2 अन्य युवकों ने उसे तुरंत कपड़ों में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन एक युवक के पैर जल गए। वहीं झुलसे युवक को मोहनगढ़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बारा के अंता अस्पताल में ठेकाकर्मियों की हड़ताल से फैली अव्यवस्था। अस्पताल में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, भर्ती वार्ड के मरीजों के बेड के नीचे लगे कचरे के ढेर। ठेकाकर्मियों द्वारा किया जा रहा कार्य बहिष्कार। डूंगरपुर में महूजी बोर्ड के पास कार और टेम्पो की टक्कर के बाद आरोपी के लावारिस पड़ी कार को पुलिस चौकी तक पहुंचाने वाले युवक को मुकदमे में फंसाने की शिकायत एसपी से की गई। इस दौरान एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अलवर के कठुमर में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने बताया कि सरकार में भ्रष्टाचार के चलते पेपर लीक से युवा बेरोजगारों के सपनों का कत्ल किया गया। वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2024 में देश में भाजपा की सरकार बनाएंगे।
हनुमानगढ़ के नोहर में डीएसटी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, 5 जनों को गिरफ्तार किया। पुलिस को होटल कुबेर में देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य होने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होटल संचालक और ग्राहक को गिरफ्तार किया। साथ ही हरियाणा की एक और पंजाब की दो युवतियों को भी मौके से गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना पुलिस ने चड़ोतरा कर घर में तोड़फोड़ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस वारदात के खिलाफ अभियान में जुटी है और आरोपियों ने भी वारदात करना कबूल लिया। पूछताछ में इसी के साथ पुलिस की जान जारी है। धौलपुर के मंगल भारती मंदिर पर एक साधु की चाय पीते वक्त तबियत बिगड़ने के बाद साथ में मौजूद दूसरे साधु से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले साधु ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजसमंद के नाथद्वारा में गौवंश को अब बेहतर इलाज और देखभाल की सुविधा के लिए करधर गो सेवा संस्थान की ओर से एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की, जिसका मां मंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज और शिवानंद महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। जैसलमेर के पोखरण में राजस्थान के युवा कांग्रेस प्रभारी मोहम्मद शाहिद के नेतृत्व में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली के माध्यम से आमजन को सरकार की उपलब्धियां के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारियां दी। डूंगरपुर के चौरासी में धम्बोला पुलिस ने जेल में कैद एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी किए सोने चांदी के जेवर बरामद किए। इसके साथ ही मामले का खुलासा करने वाली टीमों में थानाधिकारी राकेश कटारा, पीठ चौकी प्रभारी हेमेंद्र सिंह, जीतमल अजय और जयेश शामिल हैं। सुरे से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा स्पेशल वायुयान से असम के लिए रवाना हुए। इससे पहले आबू रोड के ब्रह्मा कुमारी में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में लिया भाग, तो सीएम के सिरोही पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चौक में जिला पुलिस अधीक्षक राजश्री राजवर्मा ने अपराध की रोकथाम के लिए मासिक बैठक ली, जिसमें आगामी चुनाव को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात की। धौलपुर में भरतपुर हाईवे के किनारे घर से लापता हुए युवक का शव मिला। युवक का शव करीब 2-3 दिन पुराना है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कराने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द शव कर दिया। सुबह के विवेकानंद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल कुश्ती देखकर दर्शक पुलकित हुए। प्रतियोगिता में 17 वर्ष आयु वर्ग के 45 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में मनीष माली भरतपुर प्रथम, ओमवीर सिंह डी द्वितीय, तृतीय विक्रम बीकानेर और सचिन नीम का थाना रहा।